स्टूडेंट लोग, क्वेश्चन नंबर टू। नाउ ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉप एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो पहले फर्स्ट लाइन को सही से पढ़ना है, करेक्ट। ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, यानी तूफान के कारण जो है एक पेड़ जो टूट जाता है। तो पेड़ हमने ये ले लिया, ये हमारे पास ट्री हो गए। क्लियर? ट्री कहाँ होगा? ग्राउंड भी तो होगा, ये ही ग्राउंड बना दिया हमने। उसके बाद उसने कहा स्टॉर्म के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ये टूटता है, टूटने के बाद कहाँ गिरता है? ये इतना पार्ट टूटेगा, टूटने के बाद ये गिरा हमारे पास। क्लियर? इतना पार्ट टूट करके ये यहाँ गिरा और ये कह रहा है यहाँ टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये टूटने के बाद एंगल बनाया इसने कितना, 30 डिग्री ग्राउंड से। क्लियर? कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये फुट है ट्री का और ये ग्राउंड का वो पॉइंट है जहां पे टूट करके लगा हुआ है। क्लियर? इसको टच किया है, इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 8 मीटर गिवन है आपको। ये क्लियर? अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है आपने पूरी। इसको पूरा एच मीटर ले लेंगे, ये पूरा हमारे पास ही एच मीटर है। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर करेंगे यहां से। सपोज कर लो ये ब्रोकन पार्ट जो आपके पास कितना है, एक्स है। ये ब्रोकन पार्ट हमारे पास कितना है, एक्स। तो ये ब्रोकन पार्ट ही तो यहां लगा है टूट करके, तो ये भी एक्स हो जाएगा। इसको हमने ऐसे बना दिया। क्लियर? उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, ये इतना एक्स है, पूरी हाइट एच है, तो ये कितना बन जाएगा, एच माइनस एक्स इतना। तो इसको हमने लिख लिया लेट हाइट ऑफ ट्री बी एच मीटर। क्लियर? अब हमारे पास जो बना है ब्रेक टूट करके ये ट्री, तो हमारा था पूरा ए बी, टूटने के बाद ये सी पार्ट बना, टूटा हमारा यहां से डी पार्ट से। क्लियर? अब हम इसको ले सकते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी क्या निकाल सकते हैं यहां से, 10-30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। 10-30 होता है 1/√3। बी डी, बी डी हमारे पास ये एच माइनस एक्स अपॉन बी सी, बी सी कितना है हमारे पास, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 एच माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, एच माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। ये हम इक्वेशन 1 बना दिए। क्लियर? आफ्टर दैट हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी इजीली। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जिसमें बेस दे रखा और हाइपोटेन्यूज दे रखा, तो उसके लिए हम लगाते हैं कॉस थीटा। तो इसमें लगा देंगे फिर से इन ट्राइंगल सी बी डी कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है बी सी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है सी डी। क्लियर? cos 30 होता है √3 upon 2 is equals to BC, BC how much, 8, और CD how much, X, तो ये बन जाएगा √3X is equals to 16, या X is equals to हो जाएगा 16 over √3, ये वैल्यू निकल गया इतने मीटर। क्लियर? ये X की वैल्यू है, यहाँ X वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो बन जाएगा आपका एच माइनस 16 ओवर √3 इज इक्वल्स टू 8 ओवर √3। व्हाट इट,
नाउ इट विल बी एच इज इक्वल्स टू 8 ओवर रूट 3 16 ओवर रूट 3 आएगा प्लस का 16 ओवर रूट 3 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 ओवर रूट 3 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए तो 24 रूट 3 ओवर 3 3 से डिवाइड किया 8 रूट 3 कितना आ गया आपके पास ये 8 रूट 3 मीटर तो h आ गई आपकी 8 रूट 3 मीटर दिस इज हाइट ऑफ ट्री हाइट ऑफ ट्री 8 रूट 3 मीटर इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना तो देखिए यहां पे tan यूज किया यहां पे cos यूज किया तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओके okay?